आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। मैंने आप सभी को दो दिन में ना 1.5 महीने का मोटा मोटी करेंट अफेयर जो है वो कवर करवा दिया और कल तक पूरा जून का करेंट अफेयर जो है वो कवर करा दूंगा। उसके बाद ना पूरा जनवरी से लेकर आपका जून तक का कंबाइंड पीडीएफ एक साथ आप सभी को दे दूंगा। आप सभी डाउनलोड कर उसको रिविजन कर लीजिएगा। और परसों से यानी कि परसों से आपका क्लास सुबह 8 बजे से ही चलेगा करेंट अफेयर का, जैसे आपका डेली चलता था। तो टाइम याद रखिएगा, परसों से सुबह में 8 बजे जैसे क्लास आपका करेंट अफेयर का चलता था वैसे ही चलेगा। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य की सरकार ने ना ऑटो रिक्शा चालक और टैक्सी चालकों के लिए YSR वाहन मित्र योजना लॉन्च की है और इसके तहत 248 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कोई भी योजना में ना अगर आगे में YSR लग जाता है तो 99% लोग बोल देते हैं कि योजना जो है भैया वो आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी YSR। और आपको पता है जो भी इस COVID-19 में जितना भी महामारी फैला है ना, इनके परिवार को सहायता मिल पाए और जो लोग चाहते हैं कि नया टैक्सी लेने उसमें सब्सिडी भी दिया जाएगा, जो चाहते हैं नया टैक्सी लेने का उसमें सब्सिडी भी दिया जाएगा, सब इस योजना के तहत। क्या नाम है योजना का, YSR वाहन मित्र, किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती जगन मोहन रेड्डी, विश्वभूषण हरिश्चंदन यहाँ के राज्यपाल है, अरूप कुमार गोस्वामी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, 25 लोकसभा 11 राज्यसभा सीट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने आदिवासी आजीविका पहल, एक पहल शुरू किया गया है आदिवासियों लोगों के लिए, नाम क्या दिया गया, संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन, ये शुरू किसने किया है। तो आप सभी को पता है आदिवासियों का मंत्रालय किसके पास है, सभी को पता होगा अर्जुन मुंडा के पास, एक समय ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी जो है वो रह चुके हैं, तो इनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया है ताकि ना जो भी आदिवासी वन वगैरह में रहते हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, वहां के युवाओं को, इसीलिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है इनके द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बिहार में जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वहां पर 130.1 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्लान चल रहा है। और ये जो बिहार सरकार जो 130.1 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना बैठाएगी किसके सहायता से, किस कंपनी के सहायता से, तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने जो है ना, यानी कि आप सभी का BSHPC बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो है वो NHPC के साथ, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का साथ मिलकर ये योजना को जो है वो अंजाम तक पहुंचाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है यहां पर, शिक्षा के क्षेत्र में यानी एजुकेशन के क्षेत्र में इनकी सेवाओं के लिए ना ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया है, किसको, इनका जन्म भारत में हुआ है और इनका नाम है अमिका जज को जो है शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करने के लिए ना इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देखकर ही इस बंदे का नाम सभी को पता होगा, क्योंकि विश्वनाथ आनंद के बाद ना अगर कोई बहुत आगे निकल रहा है चेस में जो वहां तक उस मुकाम तक पहुंच पाए तो वो डी सुकेश। कहां के रहने वाला ये बंदा, ये याद रखिएगा, ये तमिलनाडु के रहने वाले, कहां के, तमिलनाडु के रहने वाले, तो याद रखिएगा। गर्लफ्रेंड चैलेंज शतरंज का खिताब किसने जीता है, तो डी सुकेश ने जीता है, ऑप्शन नंबर आपका डी जुगेश। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा राज्य ये बोला है ना कि अब योग की पढ़ाई भी स्कूल में करवाई जाएगी, तो ये दिल्ली में बोला है। कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने ये बोला है कि योग विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरू कर किया जाएगा, डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा अब योग में, तो दिल्ली ने बोला है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 2026 तक
5G कनेक्शन कितने लोगों के फोन में हो जाएगा हमारे भारत में। तो देखो यहां पर एक रिपोर्ट सर्वे जारी किया गया है हाल ही में, एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस वर्ष तक 330 मिलियन 5G कनेक्शन हो जाएंगे, तो 2026 तक। और आपको पता है 1 मिलियन बराबर कितना होता है भाई, तो 10 लाख। तो 10 मिलियन बराबर कितना होगा आपका 1 करोड़। तो आप सोच लो कितना करोड़, यहां पर 33 करोड़, यानी 33 करोड़ लोगों के फोन में जो है वो 5G कनेक्शन होगा। एक बार 33 करोड़ होगा ना, हिसाब करें 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, तो 100 मिलियन बराबर होगा आपका 10 करोड़, बिल्कुल 10 करोड़ होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, कौन सा देश अस्थाई नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के लिए डीप ओशन मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। अब देखो आप सभी को पता है हम लोग ना कोई भी 70% समुंदर के नीचे क्या है, धरती के नीचे क्या है, इसका अध्ययन आज तक हो ही नहीं पाए। तो अब भारत जो है ना एक मिशन लॉन्च कर रहा है, मिशन का नाम क्या है आपका, डीप ओशन मिशन, ठीक है। ये मिशन को कौन लॉन्च करेगा बता ही चुका हूं आपका, कौन, भारत, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला, भारत ने किस राज्य के उद्योगी गलियारे में राजमार्ग में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 484 मिलियन के ऋण पर डील साइन किया है। तो ये किसने किया है, यानी 484 रुपया का लोन दिया जाएगा उस राज्य के रोड वगैरह को सही करने के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा, कहां पर, तमिलनाडु को, ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई, इडप्पडी के पलनीस्वामी मुख्यमंत्री, बनवारी लाल पुरोहित यहां के राज्यपाल है, और संजीव बनर्जी यहां के मुख्य न्यायाधीश है। 38 लोकसभा, 18 राज्यसभा सीट है, ठीक है। अच्छा, एशियाई विकास बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, तो आप सभी को पता होगा मासा टीसुगु आसाकावा, काफी बार बताए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने 2021 उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो की बात कर रहा है, इसका शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2021 में, तो ये करेगा आपका कौन, बेल्जियम। याद रखिएगा अक्सर एग्जाम में पूछता है नेटो का सम्मेलन 2021 का कहां पर होने वाला है, बेल्जियम में होने वाला है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्जियम का राजधानी ब्रसल, यूरो मुद्रा, अलेक्जेंडर डी क्रू यहां के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ना भारत जो है इस देश को 100 मिलियन का लोन देगा। देखो यहां पर 100 मिलियन डॉलर का लोन देने जा रहा है भारत किस क्षेत्र में, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, किस देश को, श्रीलंका को, इसको श्रीलंका को, ऑप्शन नंबर ए। श्रीलंका का सब कुछ पता होगा, श्री जयवर्धने पूरे कोटे वहां का राजधानी है, श्रीलंकन रूपी वहां का मुद्रा है, और महिंदा राजापक्षे वहां के प्रधानमंत्री, और गोटाबाया राजापक्षे वहां के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए 20 दिवस कब मनाया जाता है आप सभी का, 17 जून को, ऑप्शन नंबर सी। और इस बार का विषय क्या दिया गया है, तो रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, ये थीम दिया गया है 2021 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस हम लोग प्रतिवर्ष 18 जून को मनाते हैं, कब, ऑप्शन नंबर डी 18 जून। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है आप सभी का, IDFC फर्स्ट बैंक, ये जो बैंक है ना इसके MD और CEO यानी प्रबंध निदेशक और CEO किसे मनाया गया है, तो आपका वी वैद्यनाथन को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में प्यूमा जो कंपनी है मोटर स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो फोटो देखने के बाद ही 99% लोग आंसर बोल देंगे, भैया ये युवराज सिंह है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। भारत के विश्व व्यापार संगठन यानी WTO हाई मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले पहले निजी व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो आपका आशीष चंद्रोकर, ऑप्शन नंबर आपका ए। और एक बात, आंसर तो पढ़ लिए लेकिन इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, WTO के बारे में, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, गठन कब हुआ, 1 जनवरी 1995 को,
और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आपका नगोजी ओकोंजो इवेअला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, किस कंपनी ने 2021 में स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो लार्सन एंड टोब्रो इंफोटेक कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक किताब है और अमिताभ घोष इतने बड़े राइटर है कि इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय, सलमान रुशीद, अमिताभ घोष, ये सब बहुत बड़े राइटर है, तो इनका जो भी किताब आता है ना उसको बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो इनका एक किताब आया है नटमक्स ह्यूज ट्रेवल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस, किताब का लेखक कौन है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 2021 का ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 135वें स्थान पर है, सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो आपका आइसलैंड। सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो आइसलैंड। इस सूची में भारत का रैंक कितना है, तो 135। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 और 2022 में ब्रिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए, आपको पता है 20 का टोक्यो कहां पर होगा, कब होगा, 21 में होने वाला है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 और 2022 का ब्रिंघम राष्ट्रमंडल खेल के लिए ना भारत के प्रमुख परियोजक के रूप में किस कंपनी को चुना गया है, तो एमपीएल स्पोर्ट फाउंडेशन को। यानी भारत देश को ना टोक्यो ओलंपिक में और जो ब्रिंघम 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है उसमें भारत के खिलाड़ियों को स्पॉन्सर्ड कौन करेगा, तो एमपीएल स्पोर्ट फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व टहलना दिवस कब मनाते हैं, तो 19 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता करने के लिए ना दोगुना करने के लिए उनकी आय कृषि बंधु योजना लॉन्च किया है। अब ये स्कीम क्या है, बहुत अच्छा स्कीम है और ये स्कीम लॉन्च किया गया है श्री ममता बनर्जी के द्वारा, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। देखो इस स्कीम के अंदर बोला गया है ना, अगर यहाँ की किसान की उम्र 18 साल से ज्यादा है और 60 साल के भीतर है, यानी 60 साल से कम है, तो उनको प्रतिवर्ष 5,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा, प्लस अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको 2,00,000 का इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। ठीक है, ये किसने बोला है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने, किस योजना के तहत, तो कृषि बंधु योजना के तहत, और यहां का राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़ है। ममता बनर्जी यहां की मुख्यमंत्री, कोलकाता राजधानी राजेश बिंदल यहां के मुख्य न्यायाधीश है। 42 लोकसभा 16 राज्यसभा सीट है आपका पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, भारत स्पेन फ्रांस और इटली ये चारों देश मिलकर एक अभ्यास कर रहे हैं, उस अभ्यास का नाम क्या दिया गया है, यूनिफोर। इस अभ्यास को कहां पर शुरू किया गया है, तो गल्फ ऑफ एडन में, एडन की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ हाथ मिलाया है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ हाथ मिलाया ताकि उसमें विकास हो पाए, तो भारत और भूटान। भूटान का राजधानी थिम्पू, भूटानिस नुगलत्रुम यहां का मुद्रा है और लोटे शेरिंग यहां के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 5 साल के कार्यकाल के लिए इनको दोबारा से ना संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुन लिया गया, कौन है ये, एंटोनियो गुटेरेस। और एक बात, संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देखो तुनिसिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्यूबा गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका भी एस जानकीरमन। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वानिकी के लिए प्रतिष्ठित यूएन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता है, आप लिख कर ले लो ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनेगा। हालांकि ये अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, बीकानेर में
राजस्थान के बीकानेर में जो है ये प्रोफेसर है, ये पढ़ाते क्या है समाज शास्त्र पढ़ाते हैं। और एक बात बोल दूं, इनका परिवार ना पेड़ वगैरह बहुत लगाता है जहां पर सूखा जमीन उमीन है वहां पर। ऐसे करते करते ना सुना है मैंने 13 लाख पौधे अभी तक इनका परिवार लगा चुका है, बहुत बड़ा बात है। इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है इनको? तो अवार्ड दिया गया आपका यूएन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 21 से नवाजा गया। इनका नाम क्या है? त्याग सुंदर ज्ञानी, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं प्रतिवर्ष आपका? तो 20 जून को। और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का विषय क्या है इस बार का? टुगेदर वी हिल लर्न एंड साइन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसी ऐसा जो कोई है जिसको नहीं पता है 21 जून को मनाते हैं, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, विषय इस बार का विषय क्या दिया गया है? योगा फॉर वेलबींग, कल्याण के लिए योग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व संगीत दिवस हर साल मनाते हैं 21 जून को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना लॉन्च किया है? इसके लिए कोरोना काल में जिनके मम्मी पापा का निधन हो गया है ना, उन बच्चों को जो है अब ये सरकार आगे खर्चा उठाएगी। देखो लिखा है, किस राज्य सरकार ने COVID-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, गणेशी लाल राज्यपाल है, एस मुरलीधर मुख्य न्यायाधीश, 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा सीट है आपका उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका इब्राहिम रैसी को, रियासी, ऑप्शन नंबर डी। ईरान का राजधानी तेहरान, ईरानियन रियल यहां का मुद्रा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अच्छा पहले ये बताओ, ये जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास है? तो आपको पता होना चाहिए मुख्तार अब्बास नकवी के पास ये मंत्रालय है। अब बोला है इस मंत्रालय में सचिव के रूप में दिया गया है रेणुका कुमार को, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, देखो टडांग मीनू जो है ना, ये बंदी अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। अब हुआ क्या है ना, इनको कोच बना लिया गया है। किसका? मैं बता रहा हूं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कोच कमेटी की सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो किस आज संबंधित है? तो बता ही चुका हूं आपको, अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देखो यहां पर बोला है किस भारतीय नौसेना, आपको पता है नौसेना इंडियन नेवी का चीफ कौन है? तो इंडियन नेवी का चीफ है आपका करमबीर सिंह। इंडियन नेवी दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय नौसेना के जहाज ने 2021 का फ्लीट अवार्ड्स में कैपिटल शिप श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए, INS सह्याद्री। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गैर यूरोपियन पेटेंट कार्यालय देशों की श्रेणी 21 का यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत में इनका जन्म हुआ है, नाम है सुमिता मित्रा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, यही है ना, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार इस ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी सबसे रहने लायक, जहां सबसे आराम से रहा जा सके, किस शहर को भारत में सबसे आगे अधिक रूप से चुना गया है? यानी देखो, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वो कौन सा शहर है जहां पर आसानी से रहा जा सकता है? तो वो है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर को पहले चुना गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 21 का US ओपन गोल्फ खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जॉन रहम ने, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये कौन है, काफी बार मैंने बताया, लुइस मैक्स बटस्पन। और ये किस देश के लिए खेलते हैं? तो बेल्जियम के लिए, मैक्स ब्रस्टपन बेल्जियम के लिए खेलते हैं।
और 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसे जीता है? कार रेसिंग गेम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, भारत का लक्ष्य जो है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री का, उनके अनुसार 2023 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करना है, यानी जितने भी बंजर भूमि है ना भारत में, केंद्र सरकार ने बोला है 2030 तक ना 26 मिलियन हेक्टर जमीन को जो है बंजर जमीन को बहाल कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य ने भारत रत्न और सम्मान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित की है? देखो अब इस राज्य में ना भारत रत्न के तरह ना उस राज्य में भी एक वैसा पुरस्कार दिया जाएगा। ये घोषणा किसने की है? असम की राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर, जैसे भारत में सबसे ऊंचा पुरस्कार क्या है तो भारत रत्न, तो उसी तरह उसी टाइप का असम का सबसे ऊंचा पुरस्कार का भी अब हर साल एक अवार्ड दिया जाएगा। ये घोषणा किसने किया है? जो भारत रत्न की तरह होगा, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने। यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी, सांसद धुलिया राज्यपाल है, 14 लोकसभा 7 राज्यसभा सीट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह, ये जो उपग्रह है ना पूरा लकड़ी का है, लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो न्यूजीलैंड से। कहां का राजधानी क्या? वेलिंगटन। कहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या? जैकिंडा अर्डन। और जहां के मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थापित करने की योजना बना रहा है, यानी कौन सा देश है जो एक अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थापित करने जा रहा है, इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट्स? तो वो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी। इसका ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था और इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम सक्सेस की 98 पर मिल जाएगा। ये मैं आप सभी को ना 16 से 20 जून तक का करेंट अफेयर पूरा कंप्लीट करवा दिए। क्लास अच्छा लगा होगा एक लाइक कर दीजिएगा जितने भी मेरे भाई बहन देख। ठीक है।